अब चलो बेटा, मैंने कहा चलो बेटा। नहीं चलना मुझे, कब तक चलेगा ये? मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूं, हिम्मत जुटाता हूं, पर जब कुछ मिलना नहीं है तो कोशिश करूं ही क्यों? मैं कभी कुछ नहीं बन सकता हूं। एक कदम भी बढ़ाता हूं तो मुंह के बल गिरता हूं। मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब भी बिल्कुल सही था। इस दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? सुबह उठ के दांत घसो, दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं मतलब? छोड़ दूं मतलब आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझता या तुम? मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थी, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे। छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद ना आए तो उसे वही छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सालों से भगवान की पालकी का बोझ अपने कंधे पर उठाता रहा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर से अब तक नहीं उतरा। तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रहा, जबकि भगवान का बोझ भी हंसते हंसते उठा लिया मैंने। बेटा अब भी टीवी सेंटर में ही काम करेगा? इंसान की प्यास कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो उसे अपने आंसुओं से नहीं बुझा सकता। तुझे तो बातें टालने की आदत है ना, मेरी बातों को भी ऐसे ही टाल देना। अब चल।